देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे लोगों को 6 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। नोटिस में वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में 17 लाख ऐसे वाहन हैं जिन पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इनमें से 13 लाख दोपहिया वाहन और 3 लाख कारें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक 14 लाख वाहन मालिकों को SMS भेजकर कहा गया है कि वो अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं या उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें, अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2-3 महीने बाद प्रदूषण शुरू हो जाएगा। ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। ऐसे में इन वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है। हालांकि अधिकारी ने बताया कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं बातचीत के दौरान अधिकारी ने बताया कि हाल ही में एक रिटायर आर्मी कर्नल ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर कहा था कि उनका बेटा विदेश में है और वाहन गैरेज में खड़ा है। अधिकारी के मुताबिक जो वाहन रोड पर नहीं चल रहे हैं उन्हें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे वाहन बिना सर्टिफिकेट के सड़क पर चलते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन सड़क पर चलता दिखता है तो मालिक को 6 महीने की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। आपको बता दें, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक सभी दोपहिया वाहनों को हर साल PUC सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जबकि 4 पहिया वाहन के मामले में BS4 के लिए ये 1 साल का होता है, जबकि अन्य वाहन के लिए इसकी अवधि 3 महीने होती है। PUC सर्टिफिकेट को रियल टाइम बनाया गया है और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले साल 60 लाख से ज़्यादा PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए। PUC सर्टिफिकेट में वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की जांच की जाती है और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।